हाय फ्रेंड्स, दिस इज विपुल भट्ट और आप जिस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उसका भी नाम विपुल भट्ट है। दोस्तों, इस चैनल पे इसके पहले मैंने द डार्क साइड ऑफ द ग्लैमर इंडस्ट्री के कुछ वीडियोस बनाए थे। वो वीडियोस आपको इस इंडस्ट्री से बचाने के लिए थे, कुछ इस इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाइयां बताने के लिए थे। बट आज मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ, कुछ और। ये विपुल भट्ट क्या चीज़ है वो तो आप जानते ही हो। दोस्तों, इंडिया भर में कोने कोने में, हर गांव में, हर शहर में बच्चा एक्टर बनना चाहता है। जब कोई एक्टर बनना चाहता है तो उसकी माँ उसे कहती है, बेटा विपुल भट्ट को कांटेक्ट करो, डेली ऑडिशन अपडेट्स तुमको मिलते रहेंगे। तो हाँ, डेली ऑडिशन अपडेट, चाहे किसी भी प्रांत के हो, किसी भी भाषा के हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, इलाहाबाद हो, हैदराबाद हो, हिंदी हो, मराठी हो, भोजपुरी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मुझे पता है आप सब विपुल भट्ट को याद करते हैं। पर लोगों का एक सवाल होता है, विपुल जी आपके पास इतने सारी जानकारी, इतने सारे ऑडिशन अपडेट्स कहाँ से आते हैं? और विपुल जी, आपके अपडेट्स सब के सब जेन्युइन होते हैं, उसमें फ्रॉड, धोखा देने वाले, कॉम्प्रोमाइज वाली बातें करने वाले ऐसे कोई होते ही नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आज अपने दिल की बात, अपने दिल के राज आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। जी हाँ, ये दिल के राज है जो शायद कोई नहीं जानता। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री में जो बुरे लोग हैं, जो रजिस्ट्रेशन की बातें करते हैं, जो आर्टिस्ट कार्ड की बातें करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज की बातें करते हैं और जो पेड कास्टिंग की बातें करते हैं, उन लोगों को मैंने ब्लैकलिस्ट करके रख दिया है। जी हाँ, ब्लैकलिस्ट। उनका नाम देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। पर जो सही लोग हैं ना, सही लोग, इन लोगों को मैंने अपने दिल में रखा है, दिल से जोड़ के रखा है। जो कास्टिंग डायरेक्टर सही है, जो कोऑर्डिनेटर सही है, इन सब का मेरे पास एक अलग लिस्ट है। और इनके साथ जो मेरा नाता है, जो जुड़ान है, इसलिए ये सारे के सारे अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे भेजते हैं और जो मैं आपको भेजता हूँ। तो अभी आप तो समझ गए होंगे कि आपको इतनी सारी अच्छी अच्छी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ दोस्तों, मैं आपकी पहचान इनसे कराने जा रहा हूं। यस, ये जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इंडस्ट्री के सही लोग, इस सीरीज के हर एपिसोड में आप देखेंगे, आप मिलेंगे एक सही कास्टिंग डायरेक्टर, एक सही कास्टिंग कोऑर्डिनेटर से। उनसे हमारा इंटरव्यू होगा, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी, उनसे हमारी बातचीत होगी। वो अपने बारे में कुछ बताएंगे, इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताएंगे और हर वीडियो के अंत में उनके बारे में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल दी जाएगी। उनका नाम, क्या वो कास्टिंग डायरेक्टर है या कोऑर्डिनेटर है, क्या मतलब वो कौन से प्रोजेक्ट्स करते हैं, वेब सीरीज करते हैं, सिर्फ टीवी एड्स करते हैं या प्रिंट शूट्स करते हैं, जो जो उनकी जानकारी आपको ज़रूरी है वो सारी उस वीडियो के एंड में दी जाएगी और ये हर वीडियो के अंत में आपको मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो और आपको सही राह चलना है, कहीं किसी गलत जाल में फंसना नहीं है, तो एक ही चीज़ है, इस वीडियो सीरीज़ के हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर वीडियो के एंड तक आप देखोगे तो एंड में आपको उसका की सारी डिटेल्स, उस कास्टिंग डायरेक्टर की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो फिर आपका एक्टर बनना मुश्किल तो नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बाकी सब आपके हाथ में है। और हाँ, क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हो और आप रोज़ नए नए लोगों से मिलना चाहते हो, उनके बारे में जानकारी चाहते हो, तो एक छोटी सी चीज़ आपको करनी पड़ेगी। क्या? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टंग प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, हैप्पी ऑडिशनिंग।